हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी एकदम अच्छी हूँ तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मैं सोची हूँ कि मैं अपने आप को टाइम दूंगी और बहुत सारा चीज़ है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने आप पर भी ध्यान देती हूँ और क्या क्या चीज़ मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको बताऊँगी आज एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो कि मैं लगाने वाली हूँ तो बस इसीलिए मैं सोची कि आज एकदम झटपट और जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट बना के कंप्लीट कर लूँगी तो मेरे पास टाइम रहेगा तो फिर मैं अपना अपना सेल्फ केयर भी कर पाऊंगी अगर ब्रेकफास्ट में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम का बहुत ही कमी रहता है और हर चीज़ टाइम से अगर ना हो तो फिर काफ़ी लेट होते जाता है और हर चीज़ लेट से ही होते चला जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं आज मैं ब्रेकफास्ट में ब्रेड रोल बना रही हूँ तो बहुत दिन हो गया था तो एक बार मैं ब्रेड रोल बनाई थी तो हसबैंड को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था तो फिर हस्बैंड जी का डिमांड था कि आज मैं ब्रेड रोल ही बना करके के तो इस तरीके से मैं ब्रेड ब्रेड रोल बनाती हूं और इसे हम कटलेट भी बोल सकते हैं बहुत ही इजी रेसिपी है आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा आप लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा और एकदम झटपट से बन जाता और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट भी है ऐसे अगर हेल्दी बोलूँ तो हेल्दी नहीं बोल सकती क्योंकि इसमें हम बहुत ऑयल वग़ैरह का भी यूज़ करते तेल में फ्राई करते तो हेल्दी ब्रेकफास्ट तो नहीं है लेकिन हाँ कभी कभी मन करता है कि टेस्टी सा ब्रेकफास्ट करने का तो उस कंडीशन में हम ये बना सकते हैं और इवनिंग का स्नैक्स के लिए तो ये परफेक्ट है तो देखिए ब्रेड रोल बन गया है अब मैं बना रही हूँ स्लरी स्लरी बनाने के लिए मैं दो चम्मच कॉर्नफ्लोर दो चम्मच मैदा और थोड़ा सा नमक डाली हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से इसका घोल बना लेंगे ताकि लम्स ना पड़े और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरे पास ब्रेड क्रम्स था बहुत पहले ही और इस तरीके से फिर स्लरी में हमें डिप करना है और ऊपर से ब्रेड क्रम्स का कोटिंग कर लेना है फिर हमें एकदम गैस का जो फ्लेम है हाई रखना है उसके बाद थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लेना है फिर जा कर के हमें ये कटलेट्स वगैरह डालना है और बहुत ही लो फ्लेम में ही आप इसे पकाएगा तो अच्छे से ये पक जाता है तो चलिए बन गया है मेरा ब्रेड क्रम्स आप देख ही सकते हैं बहुत ही ईजी एंड झटपट सा बन जाता है और ये चटनी मैंने रात को ही पीसा हुआ था तो इस तरीके से मैं चटनी डाल दूंगी। साथ साथ ही मैंने एप्पल वगैरह भी कट कर लिए थे तो हस्बैंड को एप्पल वगैरह में मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ फ्रूट्स वगैरह भी भेजने का तो चलिए हस्बैंड का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है अब हम उन्हें भेज देंगे तो मेरा ब्रेकफास्ट वाला काम कंप्लीट हो गया तो मेरे ऊपर से एकदम बर्डन खत्म हो गया है तो अभी मैं रूम में आ गई हूँ और सोची कि फटाफट बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ और आशफी भी जग गई है वो वो बाहर ऐसे ही इधर उधर टहल रही है खेल रही है मतलब कि हॉल रूम में ही है तो मैं सोची जब तक वो अभी शांत है वो रो नहीं रही है तब तक मैं बेडिंग वगैरह कर लेती हूँ जब मैं बेडिंग भी कर लूँगी तो मेरा काम ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट ही हो जाएगा क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी बना ली क्योंकि मुझे आज अपने हेयर में हेयर मास्क लगाना था इसीलिए और इस तरीके से देखिए हम अच्छे से, से सेट कर लेंगे और मैं आज अपना बेडशीट भी चेंज की हूँ क्योंकि पिछले वाला जो बेडशीट मैं बिछाई थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था तो मेरा हमेशा कोशिश ये रहता है कि वीक में एक बार चेंज करूं, लेकिन कभी कभी आशवी ज्यादा गंदा कर देती है बेडशीट तो मैं फिर बीच में ही चेंज भी कर लेती हूँ और देखिए अब आशवी मेरे रूम पे आ गई है और इस तरीके से हुरदम मचा रही है हर चीज बस इसे गिराना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बेड एकदम अच्छे से सेट हो गया है और साइड में जो पैक टेबल था वहाँ का भी जो चीज़ वग़ैरह सब कुछ मैं हटा लेती हूँ और एक बार पूरे रूम में नज़र दे देती हूँ कि कौन सा सामान कहाँ बिखरा हुआ है और कहाँ पे जिसका प्लेस है वहाँ पे जा कर के रख देती हूँ तो बस यहाँ पे मेरा बेड वगैरह सेट हो गया है और आज देखिए अभी हॉल रूम में चली गई है थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख ही सकते कितना अच्छा लग रहा है तो मैं सोचिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ तो अभी मैं यहाँ पे जितने भी रूम में मेरे कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे जो गंदे कपड़े थे तो सबको मैं कलेक्ट करके इस तरीके से लॉन्ड्री लगा दूँगी तो वॉशिंग मशीन में मैं डाल दूँगी तो अगर कम भी कपड़ा रहता है तो वॉशिंग मशीन में मैं लगा देती हूँ क्योंकि थोड़ा मतलब ज़्यादा बिखरा ना रहे क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कम कपड़ा सोच करके बस लॉन्ड्री बैग में भरते जाते भरते जाते फिर वो एकदम ज़्यादा सा हो जाता है और लॉन्ड्री बैग से भी गिरने लगता है जो कि अच्छा बात नहीं है तो इसलिए अगर कम भी रहता है तो मैं ऑन कर देती हूँ तो यहाँ पैकेट मिल्क भी आ गया है तो मैं इसे अच्छे से फ्रिज में डाल दूँगी और थोड़ा सा इधर देखती हूँ कि कुछ चीज़ बिखरा हुआ है तो उसे भी ठीक कर देती हूँ लगे हाथ ताकि काम सब अच्छे से सेट से हो और परफेक्टली हो तो यहाँ पे देखिए अंकुरित होने के लिए मैं कुछ ग्रीन मूंग दाल को भिंगो करके रात को ही रख दी थी और आज मैं देखी तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अंकुरित हो गया है अभी और टाइम लगेगा तो कल ये एकदम अच्छे से हो जाएगा फिर मैं ये स्प्राउटेड का जो चाट होता है वो बनाऊंगी बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए अब मैं दूंगी अपनी डॉटर को टाइम क्योंकि अब आशवी का भी तेल मसाज वगैरह करना होता है फिर इसे भी थोड़ा सा पैम्पर वगैरह करना होता है बच्चे को क्योंकि हम ही हैं उसके साथ अगर खेलेंगे नहीं उन्हें टाइम नहीं देंगे तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला भी लगेगा और वो रोएंगे भी फिर वो हमसे कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे तो इस तरीके से आशवी को मैं अच्छे से तैयार कर दी हूँ और साथ ही साथ दो चोटी भी बांधी हूँ दो चोटी बहुत ही हल्का सा बांधी हूँ ताकि आशवी को पेन ना हो और दो क्लिप भी लगा दी हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे जो क्लिप्स आते हैं बच्चे को लगाने में बहुत ही ज्यादा क्यूट सा लगता है इसीलिए और यहाँ पे देखिए आशवी को थोड़ा पाउडर लगा रही हूँ पाउडर लगाने के टाइम आशवी इतना ज़्यादा खुश और उसको बहुत सुकून मिलता है तो अभी मैं आशवी को हॉल रूम में रख दूंगी ताकि आशवी अब थोड़ा सा खेले और फिर मैं आशवी का ब्रेकफास्ट का प्रिपरेशन कर लूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा जो लंच वाला काम था और बेडिंग वगैरह हो गया है और रूम वग़ैरह ऑलमोस्ट मेरा सेट ही रहता है क्योंकि अगर कुछ भी बिखरा हुआ रहता है तो इंस्टेंट साफ़ कर लेती हूँ या फिर इंस्टेंट सेट कर लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं होता है इसीलिए तो आप भी इसी तरीके से जब भी कोई चीज़ बिखरा हो तो इंस्टेंट कर लेंगे ना तो आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा टेंशन नहीं रहेगा तो अभी मैं आशवी के लिए बना रही हूँ देखिए ओट्स बना रही हूँ साथ में इसमें मैंने दो डेट्स भी डाल दिया है तो डेट्स को हमेशा धो करके के डालेगा और उसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल लीजिएगा तो इस तरीके से देखिए बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में भी मीठा मीठा लगता है बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ये एक गुड चॉइस है बेबी के लिए तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं अगर आपका बच्चा एट मंथ से लेकर टू ईयर्स तक आराम से दे सकते हैं और जो एट मंथ के जो बच्चे होते हैं उन्हें आप प्यूरी जैसा बना करके भी दे सकते हैं तो यहाँ आशवी को मैं अभी उसका जो बनी है टेडी है मैं दी थी खेलने के लिए लेकिन उसे ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं है वो कैसे गिरा देती है फेंकते रहती है बस इसीलिए वो खेलती ही नहीं है, वो बस पता नहीं अजीबो गरीब वो चीज़ से खेलती है तो यहाँ आशवी का भी जो ओट्स था वो बन के तैयार हो गया था तो जब भी मैं पहले पहले जो आशवी को खिलाती हूँ तो आशवी बहुत ही अपना सर ऐसे से हिलाती है पहले नखरा करती है उसके बाद मैं जब आशवी को खिलाने लगती हूँ तो फिर आशवी को अच्छा लगता है टेस्ट तो फिर वो खाने लगती है तो भाई आप लोगों को भी बहुत होता होगा कि आशवी इतने अच्छे से खा कैसे लेती है लेकिन आप लोग को बता दूँ ये बस चार पाँच चम्मच जी एकदम अच्छे से शांत बच्चे जैसा खा लेती है लेकिन उसके बाद का जो चम्मच मैं खिलाती हूँ ना मुझे एकदम परेशान करके रख देती है इधर से उधर गोल गोल चक्कर कटवा देती है उसके बाद में खाते खाते आधा घंटा लगा देती है तो ये भी बहुत परेशान करती है तो आशवी को मैं अभी पानी वगैरह भी पिला दी हूँ साथ ही साथ इसका मुंह हाथ भी पोछ दी हूँ तो चलिए अब मैं किचन रूम में आ गई हूँ और किचन रूम का भी सारा साफ सफाई कर ली हूँ के के किचन का हालत बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था तो इसीलिए और आशवी को मैं खिला भी दी थी तो आशवी एकदम शांत हो गई तो आशवी अपना खेलने लगी इधर उधर मस्ती कर रही है मैं सोची की फटाफट अपना किचन वाला काम कर लेती हूँ उसके बाद ही तो लंच का प्रिपरेशन हम कर पाएंगे तो बस आशवी को खेलते खेलते नींद आ रहा था और मैं जब उसे देखी तो मुझे समझ में आ गया तो इस तरीके से आशवी को थोड़ा सा फीडिंग करवा दी एंड उसके बाद मैं आशवी को सुला दी हूँ अब मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो हमारे ऊपर से एक टेंशन ख़त्म हो जाता है कि चलो वो सोए हैं तो कुछ इधर उधर गिराएंगे नहीं या फिर अपने ऊपर चोट नहीं लगाएंगे तो ये सब चीज़ का टेंशन कम हो जाता है तो इस तरीके से देखिए जो मेरा स्टैंड था इसमें मैं सब कुछ रखती थी जो भी मेरा आ, खड़ा मसाला था वो सब डालती थी या फिर आपका ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालती थी तो इसका स्टैंड है तो ये स्टैंड ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था तो हमें ना हर चीज़ को थोड़ा टाइम देना होता है तो काफ़ी दिन हो गया था तो आज मैं सोची कि इसे अच्छे से साफ कर ती हूँ लगे हाथ साफ भी हो जाएगा और फिर कभी मुझे फिर से साफ करना हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो अगर हम हफ्ते में एक बार टाइम देते हैं तो फिर हमें ना ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा इसे अच्छे से डीप क्लीनिंग के लिए जब हम हमेशा करते ही रहेंगे तो डीप क्लीनिंग का हम लोग को ज्यादा जरूरत नहीं होगा तो अभी दिवाली भी आ रहा है और दिवाली का क्लीनिंग तो बाकी ही है उसमें तो एकदम हर चीज़ अच्छे से पोछना होता है साफ करना होता है एक एक चीज़ को हमें एकदम अच्छे से क्लीन करना होता है तो अभी दो तीन दिन के बाद से मैं शुरू करूँगी मेरा जो दिवाली का क्लीनिंग है वो सब तो अगर कोशिश करूँगी कि वो सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं दिवाली का क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से करती हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा तो चलिए इसे हम अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जो चीज़ यहाँ है वहीं पे अच्छे से हम सेट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है जब कोई चीज़ को हम थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा पोस्ट लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चमकता है और बहुत अच्छा भी लगता है और ख़ुद को भी देखने में अच्छा लगता है तो देखिए बातों बातों में मेरा किचन रूम भी एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है आप देख ही सकते हैं और मेरे ऊपर से एकदम किचन का भी टेंशन ख़त्म हो गया है अब मुझे ये है कि थोड़ा बहुत जो घर का काम तो रहता ही वो ख़त्म नहीं होने वाला बस वो करना है तो यहाँ देखिए आज मैं हेयर मास्क जो लगाने वाली हूँ पहले ही आपको बोली हूँ तो इस तरीके से मैं हीना रख ली थी और ये कुछ प्रिपरेशन मैं रात को ही करके रख ली थी तो मैं सोची कि थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ तो इस तरीके से देखें मैं रात को ही हीना का प्रिपरेशन कर दी थी एंड ओवर के लिए मैं रख दी थी और फिर मैं मॉर्निंग में अच्छे से लगाऊंगी तो बस यही लगाने के लिए आज मैं सुबह से बस ये थी कि सारा काम फटाफट कर लूँ ताकि मुझे एक घंटा जैसा टाइम चाहिए मतलब डेढ़ घंटा तो चाहिए आधा घंटा तो लगाने में लग जाता है एक घंटा तो बाल पे रखने में लग जाता है इसी सोच के मैं सारा काम आज जल्दी जल्दी कर रही थी और इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से हो गया है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे दो टो अंडा भी डाली हूँ और अंडा डालने के बाद तो और भी ज़्यादा हेयर सॉफ्ट सिल्की स्मूथ जैसा लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन ये सबका अपना अपना चॉइस है जिसको मतलब मन करता है वो अंडा डाल करके लगाते हैं जिसको नहीं पसंद है वो नहीं लगाते ये टोटली ऑप्शनल है तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं ऐसे अंडा डाल करके लगाती हूँ कभी कभी मैं दही भी डाल करके लगाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो चलिए अभी अच्छे से हम अपने हेयर को डिटैंगल कर लेंगे अच्छे से कोम भी कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा हेयर बहुत ज़्यादा जट लगा था तो मैं एक अच्छे से दुपट्टा से अपना जो सूट है उसे कवर कर लूँगी ताकि ये लगे ना और दाग ना बैठे तो इस तरीके से और यहाँ पे देखिए फ्रंट साइड से मैं अच्छे से कोम कर लूँगी और मेरा जो मेहंदी है इस तरीके से मेहंदी का जो पैक है मैं फ्रंट के साइड से लगाना स्टार्ट करूंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा बैक साइड में ना फिर जितना भी मेरा बाल है उसे ले करके लंबे से ले कर के लगा करके और इसे राउंड राउंड कर, कर कर के फिर अपने माथा में इस तरीके से कर दूँगी ताकि वो गिरे ना और आप एकदम भर भर के मेहंदी लगाइएगा तो अच्छे से कोटिंग करेगा कि पूरे बाल में बहुत ही अच्छे से लग जाए और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे देखिए आज मैं बहुत दिनों के बाद यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था और आज मैं सोच के ही रखी थी कि एनी हाउ मैं आ, मतलब आज मेहंदी लगाऊँगी क्योंकि देखिए क्या होता है घर के काम तो हम करते ही रहते हैं हर चीज़ हमें करना ही है उसके लिए कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं है लेकिन होता है ना हमें अपने लिए भी तो समय निकालना होगा जब हम अपने आपको मतलब अपने आप को सजाएंगे और संवरेंगे तब जाके हमें भी अच्छा लगेगा हम भी एकदम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे तो जब हम खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा और सब कुछ अच्छा अच्छा करने का मन भी करेगा सो so गाइज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली में तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से मैं मेहंदी लगा ली हूँ अपने बालों में और मेहंदी लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें बैठ जाना है वेट करना है एक घंटे का कि कब ये सूखेगा धोएंगे उसके बाद कोई काम करेंगे नहीं मैं उसके साथ साथ ही अपना जो लंच का प्रिपरेशन वो भी करके रख ले रही हूँ क्योंकि हमें ऐसा ना हर टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है कोई भी टाइम ऐसा नहीं है जो फालतू वेस्ट करना है और हम गृहिणी को ऐसे भी टाइम का इतना ज़्यादा कमी ही रहता है हमेशा हमारे माइंड में कुछ ना कुछ काम चलते ही रहता है तो इस तरीके से मैं प्रिपरेशन करके रख दूंगी लंच का और अभी आश्वी उठ भी गई है तो आशवी को देखे थोड़ा सा अब इसे खिलाऊंगी तो आशवी अभी आशवी को थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करा दी हूँ तो वो खेल रही है तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरा जो पूजा वाला रूम है इसमें बहुत सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रखी थी कल रात को ही तो इस तरीके से मैं इसे ना सेट नहीं की थी और हटाई नहीं थी अपने अपने प्लेस में रखी नहीं थी तो आज मैं सोची कि चलो फटाफट ये काम कर लेते हैं ताकि ये रूम भी थोड़ा सा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा सेट रहेगा नहीं तो अभी कितना ज़्यादा क्लटर सा लग रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फिर इस रूम में आने में तो मेहंदी लगाई थी और मेरे पास एक घंटा टाइम भी था तो फटाफट बस उस टाइम को मैं यूटिलाइज करी और इस तरीके से सारा कपड़ा वगैरह को अच्छे से मैं हटा ली हूँ और जो भी आशवी के कपड़े भी है तो मैं अलग अलग कर देती हूँ जैसे उसके पैंट वगैरह तो अलग कर देती हूँ और ऊपर के जो टॉप वगैरह रहते हैं उसको सबको अलग करके ही मैं रखती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आशवी को पहनाने के लिए या फिर मुझे चाहिए होता है तो अच्छे से मिल जाए तो चलिए ये बेड को भी हम अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर जाके एकदम टेंशन मेरा दूर हो जाएगा इस रूम का भी क्लीनिंग का क्योंकि ये रूम देखिए कितना अब अच्छा लग रहा है अब मैं इस रूम में घुस घुसूँगी भी तो मुझे एकदम टेंशन सा नहीं लगेगा या फिर बर्डन सा नहीं लगेगा कि यार इसमें अभी मुझे बहुत साफ़ करना है या फिर बहुत गंदा है एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है साथ ही साथ आश भी देखिए यहाँ पे मस्ती करिए और किचन रूम में आके पता नहीं क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती है तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन एंड यहाँ पे देखिए आशवी के लिए मैं प्याज़ वाला थोड़ा सा निकाल के रख दी थी इसमें ज़्यादा नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाली थी तो आशवी को चिकन एंड चावल मैश करके खिला दी बिना नमक का और यहाँ पे हमारा भी लंच हो गया है तो चलिए आपको मैं अपना हेयर दिखा देती हूँ तो इस तरीके से मेरा हेयर लग रहा है बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और देखें यहाँ पे आशवी को मैं लेकर के अब थोड़ा सा वॉक करने के लिए निकल गई हूँ तो अभी चार बज रहा था और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धूप जैसा ही है तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय